हेलो फ्रेंड, तो आपको तो पता ही होगा कि जब हम इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिशियन के कुछ शॉप डालते हैं, तो हमें जो एसी अप्लायंसेस है उसका यूज़ करने के लिए या फिर हमें इसको चेक करने के लिए जो है हमें एक सीरीज लैंप की आवश्यकता होती है। तो ये सीरीज लैंप जो है वो हम तो सीरीज लैंप जो है वो हम आज बनाने वाले हैं। वो भी आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि कैसे बनता है, वो कैसे करते हैं, तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो सीरीज बोर्ड बनाते हैं। तो गाइस, सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पर मैंने देख यहाँ पर दिखाता हूँ, वैसे यहाँ पर जो एक होल्डर है उसको यहाँ पर दो कनेक्शन ऐसे करने हैं। और आपको तो पता ही, होल्डर में यहाँ पर दो ही कनेक्शन होते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से कुछ कनेक्शन करने के बाद जो है यहाँ किसी भी एक जो फेज वायर है उसको काट देने का होता है। तो यहाँ पर जो काट देते हैं, ये मैं इजी वे बना बता रहा हूँ। यकीन जो बोर्ड बनाते हैं वो थोड़ा सा अलग नहीं होता, लेकिन उसमें जो आपको कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस प्रकार से कुछ इसी प्रकार से मैं बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैं दोनों वायर को ऐसे छील लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर गाइस देख सकते हो कि हमारा सीरीज बोर्ड जो है वो बन के पूरा तैयार हो चुका है। अब आप कहोगे कि भाई ऐसे कैसे, हमने तो एक सिर्फ एक ही जो है उसको सिरे को तोड़ा है और ऐसे कैसे बन के तैयार हो गया। तो यकीनन मानो कि फ्रेंड, ये पूरा जो सीरीज बोर्ड है वो बनकर तैयार हो गया है। तो गाइस, यहाँ पर मैं सीरीज बोर्ड को सीरीज लैम्प है उसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ताकि हम जो है वो दूसरी कोई भी चीज़ है उसको टेस्ट कर सकें। बिल्कुल सेफ्टी नहीं रहती है, तो मैं यहाँ पर जो है कुछ मल्टीमीटर की मेरे पास रोड पड़ी थी तो उसमें मैं कनेक्ट कर दूँ, ताकि मुझे इजी से यहाँ पर जो है मैं कोई सेफ्टी के साथ कर सकूँ। वो टेस्टिंग मटेरियल जो होता है उस पर लगाना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये दोनों रोड लगा दिए ताकि जो है वो मुझे वायर भी जो बड़ी मिल जाए और मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा सकूँ। तो भाई, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर दोनों वाली तार थी उसको यहाँ पर लगाना होता है। तो भाई, यहाँ पर देख सकते हो मैंने लगा लिया। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने दोनों रोड ले लिया और यहाँ पर गैस देख सकते हो पूरी रोशनी के साथ चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑफ जो है वो हीटर ले रहा हूँ, आपको यहाँ पर मैं दूर रखता हूँ ताकि जो यहाँ से जो है वो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, और इसका जो प्लग है तो इसके प्लग उसको मैं यहाँ रखता हूँ और यहाँ से टेस्ट करता हूँ। अब जो है इसको ऑन करता हूँ तो देख लेता हूँ यहाँ पर से जैसे सर रहा है या नहीं, तो देख सकते हो सर रहा है। मैं यहाँ से जो है उसको दोनों यहाँ पर रोड है उसको कनेक्ट करना होता हूँ। बस यहाँ पर देख सकते हो हीटर जो है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से ऑन कंडीशन में है, तब भी ये जो बल्ब है वो ऑन होता है। और गाइस, आप किसी भी इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल जो है उसको आप जो है वो टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बल्ब में ले लिया, यहाँ पर स्विच है जो कि यहाँ पर मैंने ऑन कंडीशन में रखा है। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, मैं चेक करता हूँ कि कैसे ये सही है या नहीं स्विच। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो ये स्विच भी सही है। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर हमें जो है बल्ब नहीं जलना चाहिए। तो गाइस, मैं यहाँ पर दोनों थोड़ा कनेक्ट करता हूँ। गाइस, यहाँ पर देख सकते हो बल्ब नहीं जला। तो गाइस, ऐसी इसके वर्किंग है जो बल्ब की होती है, और ये जो बल्ब है वो मैंने आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे सीरीज बल्ब बनाते हैं, और उसके जो यूजेज है वो भी मैंने बताया। तो गाइस, सीरीज बोर्ड में कुछ भी नहीं होता है। अगली वीडियो में मैं जो है वो आपको सीरीज बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर ये जो मैंने कटिंग किया था वायर उसको यहाँ पर ले लिया है, और ये दोनों सिरे है जो यहाँ पर उसको बोर्ड में कनेक्ट करना होता है, और यहाँ पर मैंने ये दोनों लिए है उसके टेस्टिंग करना होता है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से सीधे ही ऐसे दोनों वायर से आप टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर वायर जो है वो बड़ा नहीं था तो मैंने ऐसे नहीं किया। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कुछ इलेक्ट्रिकल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।